ओ भाई क्या लगा? खुजली होगी अब। सो वेलकम टू द अनदर शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग। और भैया व्लॉग डिले चल रहे हैं क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा सा जॉब वगैरह भी लग गई है रात में तो टाइम सा मिलता नहीं है। तो अभी डैनी और इसके साथ हम घूमने जा रहे हैं चंद्रशेखर के फार्म में, हमारे यहाँ पे हैं। शायद मेरे ब्लॉग में पहले आपने देखा है चंद्रशेखर के फार्म, जब मेरे पास डैनी नहीं था। तो भैया आप डैनी को साथ लेके जा रहे हैं वहाँ पे घुमाने के लिए पहाड़ों में, और शायद पहाड़ मैंने आपको दिखाए भी नहीं थे। तो अभी इसको थोड़ा सा सुसुपोटे वाला माहौल चल रहा है इसका, इसको थोड़ा सा करा के फिर अभी गाड़ी में निकलते हैं। कार इज रेडी, डैनी इज ऑल्सो रेडी। डैनी चलो गाड़ी की डिग्गी में चलो चलो। चलो कुछ अंदर चल बेटा। डैनी इज रेडी। और हम कहाँ जा रहे हैं? घूमी घूमी करने जा रहे हैं क्या? ओए रेड विद सम देसी और सस्ते एनर्जी बार खाएगा, तेरे को निकला रहा मैं। गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो। अरे हेलो मिस्टर मास्टर। रास्ते में ले लिया एक छोटा सा ब्रेक, भाई साहब को आ रही थी पॉटी और ये काउं काउं करने लग गया था गाड़ी में। तो ये रास्ता बस 2 किलोमीटर रह रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे हमें जाना है, पहुंचने वाले हैं। अब सीधा मिलते हैं आपको वहीं पे। और देखो विशाल और वो खड़ी गाड़ी। डैनी की हाइकिंग चालू हो चुकी है, वो वहां पे लोग जा रहे हैं और पसीना आना काफी शुरू हो चुका है। ह्यूमिडिटी हद लेवल की हो रखी है भाई यहाँ पे, अलग ही। तो अभी मजा आ रहा है, पसीने वसीने आ रहे हैं, अच्छा वर्कआउट हो रहा है। वीकेंड का मजा तो हम ही ले रहे हैं अपने ऑफिस से। चलो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये हो रही है इसकी मौज, आज तो मजे आ गए इसके। और कैसा लग रहा भैया? शाबाही है, इसकी प्रैक्टिस हो रही है मेन पहाड़ों पर जाने की। हम लोग क्या, हम तो चढ़ी जाते हैं, हम तो सह लेते हैं थोड़ा, तो सह लेते हैं। बाकी थोड़ा इसका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट है अब, जब भी टाइम लगेगा और थोड़ा सा इनकम सोर्स ठीक हो जाएगा तो इसको लेके चलेंगे। अभी थोड़ा इनकम की ना लेफ्ट राइट हो रही है, किया क्या हो रखी है उसका सनसेट ऊपर नीचे हो रहा है। तो सनसेट सनराइज मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं। तो इसको लेके जाएंगे और हिमालयन हस्की बना देंगे इसको हम, अरावली अरावली पिटबुल बना देंगे। सच्ची में लेकिन हिमालयन हस्की से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उस पैच को लेके। रियली वी आर टू इंस्पायर्ड बाय द हिमालयन हस्की भैया, मतलब उनको देख के तो हम इसको घुमाने के लिए इंस्पायर हो गए। जी को सबसे ज्यादा थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया हमें उस चीज को लेके। और भैया घोस्टू आपका बड़ा प्यारा है, मजा आ गया उसको देख के। कुछ प्याल हो गया दिल को, काफी समझदार है, मतलब काफी ज्यादा अच्छा है। अभी रिसेंट मक्कू को ड्रिफ्ट चढ़ी थी। हाँ। लेकिन हो गया ठीक, अब वो उसको आराम है। बट भैया मजा आ गया देख के। और हाफ डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे पहाड़ पे सबसे ऊपर एक कुआं टाइप से बना हुआ है और व्यू सेक्सी एज फक। ओ चढ़ गया लौंडा, बट अब इसको मोर की आवाज सुनाई देगी तो इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, ये दिक्कत कर जाएगा। बाकी अंदर जाता हूँ मैं, इसको पानी पिलाता हूँ, ये ले। और ये झाग जो आया है मेरे ऊपर इसका क्या करना है भाई? नहाना तो पड़ेगा ही, देखो आपने अगर रखा है तो थोड़ा गंदा भी होना पड़ता है, साफ भी होना पड़ता है, इसको भी नहलाना आज थोड़ा, क्योंकि व्हाइट से थोड़ा ब्लैक हो गया है। तो उसको पहले ही पानी दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, समझदार है लेकिन पता है थोड़ा भी एक्साइटेड हो जाता है तो फिर ये नहीं सुनता किसी की। मेन चीज क्या है, इसको पहले कभी कोई ऐसे घुमाने लेके गया नहीं है ना, तो इसको समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं मेरे को छोड़ तो नहीं आएंगे कहीं पे। मेन चीज ये होती है, मैं आ नहीं रहा वैसे। आ तो रहा है? नहीं आ रहा था पहले। पहले नहीं आ रहा था? नहीं। कमेंट करके बताओ भाई, आ रहा था नहीं आ रहा था, हमें तो नहीं पता। एवरीथिंग मैं काट दूंगा। रेस का पानी, चिल चिल फिल्टर का पानी पसंद नहीं है, देख रहे हो अलग ही लेवल के नखरे हैं इसके। पी जाएगा उतना पी जाएगा ये। ब्रेक लेते हैं फिर दोबारा आगे चलते, फिर देखते हैं आगे क्या क्या शूट करना है क्या नहीं। सो मिलते हैं आगे।
वैसे यार एक चीज पता नहीं मैं आपको भूल गया, यहाँ पे मुझे आते हुए कितने साल हो गए, मतलब मैंने यहाँ पे आना शुरू करा था 5 साल पहले जब मैं फार्मासिस्ट का काम करना शुरू करा था अपनी दीदी के यहाँ पे। जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी भी इस वाली अरावली हिल्स के ट्रेल पे किसी भी कोई भी बंदा अपना पर्सनल डॉग को लाता हुआ मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो एक तरीके से मान सकते हो कि चंद्रशेखर के फार्म ऑफ अरावली हिल्स में ये पहला कुत्ता होगा जो ऐसे घूम रहा है, क्योंकि लिटरली मैंने आज तक कभी भी किसी को मतलब किसी का पर्सनल डॉग यहाँ पे नहीं देखा। हम हैं, हम चुली बंदे हैं, हम कहीं भी लेके जाते हैं, तो ये थोड़ा हमारे अंदर गट्स नहीं सब करने के। चुल गलत हिसाब किताब है। टैनी गाय, टैनी काफी सारी गाय और गाय हमारा एक गाय देखने के लिए यहाँ पे खड़ा हो गया चुपचाप, और गाय आती ही जा रही है, ये तो खत्म ही नहीं हो रही रे बाबा। देखो ये गाय ट्रैक इज डन, पहुंच चुके हैं। वो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है वो है मंदिर, ये हमारे भाई साहब और भैया नाइग्रा फॉल है इसके पास। नाइग्रा फॉल मतलब हद मूतता है बंदा। और अभी नीचे चलते हैं, कहाँ पे ओए कहाँ जा रहे हैं हम? ओए भैया टास्क आ गया तुम्हारे लिए, ओए ओ ये टास्क आ गया, चल तू जा पहले उधर। अब क्या करेगा? ए, चल पीछे हो, ऊपर से जाइयो। चलो कहां से जाएगा? मुझे तो लगा था ये कूदेगा। पागल बना दी हमको इसने।
गई। आज बेटा पानी से मापन देखो। ट्रैक वगैरह सब खत्म हो गया है, बैठ गए थे आराम से थोड़ी देर के लिए, अब ये हो गया मस्त। और आज इसका समाजा बन गया, मजे आ गए इसके। बाकी ह्यूमिडिटी थोड़ी परेशान कर रही थी, अरे थोड़ा स्लो चल, ह्यूमिडिटी ने थोड़ा सा परेशान करा, बाकी इसको इतनी दिक्कत नहीं हुई। और बस अब चलते हैं, कुछ आगे होगा, कहीं जाऊंगा, कुछ काम वाम कराने तो दिखा देंगे आपको, वरना ब्लॉग की एंडिंग कर देंगे इसके बाद। ना 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 ना, बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों।